हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं जीके के, और आप लोग अपना कॉपी पेन तैयार रखिएगा ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया टेस्टेस इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस एट। पोखरण में इंडिया ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पोखरण राजस्थान में है, याद रखिएगा आप लोग, और राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। ठीक, अच्छा, तो ये हुआ था 1974 में और इसकी डेट थी 18th of May। याद रखिएगा, जब ये टेस्ट हुआ था तो हमारी प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्यूरेंट कप। ठीक है, ड्यूरेंट की स्पेलिंग DURANT लिखी रहती है। ठीक है, ड्यूरेंट कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम। ठीक है, कौन से गेम से एसोसिएट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, फुटबॉल से एसोसिएट करता है ड्यूरेंट कप। फुटबॉल से और कौन कौन से कप होते हैं, तो याद रखिएगा रोवर्स कप होता है जो कि फुटबॉल से रिलेट करता है, और संतोष कप भी फुटबॉल में ही दिया जाता है। ठीक है, पोलो का एक कप होता है जो कि याद रखना पड़ेगा हमें, वो है इज़रा कप। ठीक है, IZRA इज़रा कप पोलो से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार वॉज बिल्ड बाई, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और ये एक तुर्किश थे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से कौन सी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं जिसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसमें से पेट्रोल हमारी वो सोर्स है जिसको हम एक बार जलाने के बाद फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस हाईएस्ट यूटिलिटी सर्विस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी सर्विसेज हैं। हमें इसका आंसर बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट। ठीक है, याद रखिएगा रौलट एक्ट के अगेंस्ट में जब आंदोलन किया गया था इंडियंस के थ्रू, तो उसके बदले में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और ये हुआ था 13th of April 1919। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि ये किस त्यौहार के आसपास हुआ था, तो बैसाखी जो त्यौहार होता है उसके उस पे ये हुआ था। रौलट एक्ट एक एक्ट था जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, जिसमें कहा गया था कि वो इंडियंस को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में वो कोई केस नहीं कर सकते इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एक्ट। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड सबसे पहले कब करी थी, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका लाहौर सेशन में करी थी। ठीक है, और 26th of January करी थी। ठीक है, इसी वजह से रिपब्लिक डे इसी दिन मनाया जाता है। वैसे 26th of November में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके 2 महीने बाद ये डेट आती है, इस वजह से इसी में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद द रशियन एम्पायर वर नोन एस। ठीक है, तो उनको जूडिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ जोन्स इन इंडियन रेलवे इज, इंडियन रेलवे में टोटल नंबर ऑफ जोन्स कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 18। 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो पहले इसमें 17 थी, अभी ऐड होकर एक बनी है हमारी, तो 18 हमारे पास हैं। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट जोन, ये टोटल जो जोन्स है हमारे पास 18, इसमें लार्जेस्ट जोन कौन सी है, तो याद रखिएगा जो नॉर्दर्न जोन है, ठीक, नॉर्दर्न जोन वो सबसे बड़ी जोन है, और फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है लॉर्ड डालहौसी को। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज
एक गंगा रिवर सिस्टम, इनमें से कौन सा गंगा रिवर सिस्टम में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गंगा रिवर सिस्टम को अगर हमें याद रखना है तो इसको हम माई जी के से याद रख सकते हैं। माई जी के, माई में एम होता है हमारा महानंदा, वाई होता है यमुना, और जी तीन बार तीन नदियाँ आती हैं जी से। सबसे पहली आती है गोमती जो कि लखनऊ में बहती है, उसके बाद आती है घाघरा, और उसके बाद आती है जी से गंदक। ठीक है, तो गंदक इसमें भी है, तो आंसर हमारा बी हो गया। और के से हमारी आती है कोसी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा इस एक चीज़ और याद रखिएगा कि गोदावरी को हम और किस नाम से बुलाते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से हम इसको बुलाते हैं। ठीक है, और दक्षिण कौन सी डायरेक्शन को कहते हैं, साउथ डायरेक्शन, तो साउथ की जो गंगा है वो गोदावरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन आर कंट्री। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, तो याद रखिएगा कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है 2021 में वो 75% है। उसमें केरला का सबसे ज़्यादा है 93% और सबसे कम बिहार का है वो है 63.8%। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखिएगा, अगर केरला का सबसे ज़्यादा है 93% तो दूसरे नंबर पे आता है मिज़ोरम जिसका 91.3% है। ठीक है, अगर बात यूनियन टेरिटरी की करी जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में है लक्षद्वीप का, और वो है 91.8%। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये लक्षद्वीप का है। ठीक है, और बात अगर दिल्ली की करी जाए तो 96% है दिल्ली की लिटरेसी रेट, मतलब हर 100 में से 86 लोग पढ़े लिखे होते हैं दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। याद रखिएगा, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का ओर, एल्युमिनियम ओर। ठीक है, ओर किसे कहते हैं, ओर कहते हैं जिस से एल्युमिनियम निकाला जाता है, वो पत्थर या वो मिली हुई चीज़ जिससे कोई मेटल निकल सकता है उसको हम ओर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ओर एल्युमिनियम का होता है तो उसको बॉक्साइट बोलते हैं, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, आंसर भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। इनमें से कौन सा विटामिन को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, और विटामिन बी को हम थायमाइन बोलते हैं, और विटामिन सी को हम सिट्रस एसिड बोलते हैं, सिट्रस एसिड। ठीक है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज सिचुएटेड इन। इंटरपोल एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है लियोन में, लियोन, और लियोन एक सिटी है कहाँ का, फ्रांस का, याद रखिएगा फ्रांस का एक सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएनओ इज कॉल्ड। यूएनओ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम चार्टर बोलते हैं, कार्टर लिखा हुआ है इसमें, चार्टर होता है, चार्टर बोलते हैं। ठीक है, और मैग्ना कार्टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया इज ए। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इंडिया का फंडामेंटल राइट है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा इसके फाउंडर थे, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास दयानंद सरस्वती। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे। ठीक है, कौन सी संस्था थी ये, ब्रह्मो समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी याद रखिएगा, ये सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी, और लोदी डायनेस्टी
का फाउंडर हैं बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी वॉज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, और लोदी डायनेस्टी के बाद मुगल डायनेस्टी आती है। याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी को हरा कर बाबर ने स्टार्ट करी थी मुगल डायनेस्टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा टॉम ऑफ सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी का टॉम कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका मकबरा है, इसमें आंसर नहीं लिखा हुआ है, सासाराम, बिहार में जगह है सासाराम, ये सिकंदर लोदी का मकबरा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग शेरशाह सूरी का है, इसको आप लोग अभी चेक करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी एक्चुअली में सी नहीं है, लेक है, और ये सेंट्रल एशिया में है और 5 कंट्रीज़ को कवर करती है, ठीक है। 5 कंट्रीज़ को कवर करती है कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी लेक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, 2021 में कितनी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। कुछ बुक्स में जो पुरानी बुक्स हैं उसमें 24 दिया हुआ है, लेकिन अब 25 है, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा जो ओल्डेस्ट है हमारी वो 1862 में बनाई गई थी, और वो 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 1862 में, और वो कोलकाता हाई कोर्ट है, ठीक है। अच्छा, कोलकाता हाई कोर्ट है। अगर हमसे बिगेस्ट हाई कोर्ट पूछा जाएगा, सबसे बड़ी हाई कोर्ट कौन सी है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट इंडिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, ठीक है। कुछ और चीज़ें अगर हम हाई कोर्ट से रिलेटेड याद रखना चाहें, तो हाई कोर्ट की जो मैक्सिमम एज होती है वो 62 ईयर्स है, याद रखिएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंडियन नेबर हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड फूड इमरजेंसी, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका ने अभी